हेलो क्यूरियस पीपल, मैं हूँ इशिता और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बेंगलोर के एक रहस्यमय यानी कि मिस्चीरियस टेंपल के यहाँ। ये टेंपल दक्षिणमुखी नंदी टेंपल कहलाता है और इस टेंपल में बहुत सारे श्रद्धालु यानी कि डिवोटीज अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने आते हैं। कहा जाता है कि 1997 में इस खाली ज़मीन पर जब मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे तब उन्हें नंदी जी की यह प्रतिमा मिली। देखते ही देखते थोड़ी और खुदाई करने पर नीचे उन्हें एक मंदिर और शिवलिंग भी मिले। यह बात चारों ओर फैल गई और खुदाई का काम जारी रखा गया। तब उन्होंने पाया कि सामने एक छोटा सा सरोवर भी है और खुदाई करने पर उन्हें गणपति जी की एक प्रतिमा भी मिली। तो पता चला कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। इस मंदिर में नंदी जी अपने मुख से शिव जी का जल अभिषेक कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली होता ही रहता है और जल का सोर्स आज तक किसी को पता नहीं चला है। दिस इज़ द यूनिक थिंग अबाउट दिस टेम्पल। इस छोटे से सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ और कछुए देखने को मिलते हैं। बहुत प्यारे हैं ना? नंदी जी के मुख से जल लगातार निकलता ही रहता है। जल की धारा से शिव जी का अभिषेक कंटिन्यूसली होता रहता है। नंदी जी के मुख से ये जो पानी है इसका क्रम 400 साल से आज तक जारी है ऐसा कहा जाता है। पानी कहाँ से आता है इसके संबंध में सब लोगों के अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आज तक कोई इस बारे में ठोस नतीजे पे पहुँच नहीं सका है कि जल का असली स्रोत कहाँ है। पर भक्तों की आस्था इस मंदिर को लेकर अटूट है। नंदी जी भगवान शिव के खास गण कहलाते हैं, इसलिए भक्तजन इनके कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं ताकि वह अपनी विश भगवान शिव जी तक पहुंचा सके। तो यह था दक्षिणमुखी नंदी टेंपल। मैं आशा करती हूँ कि नंदी जी और शिव जी के दर्शन से आप लोगों तक भी थोड़ी सी ब्लेसिंग पहुँची है। चलिए अब मैं आपको सामने वाले टेंपल में ले जाती हूँ जो कि श्री गंगमा देवी टेंपल कहलाता है। यह मलेश्वरम में है। दोनों टेंपल एक दूसरे के आमने सामने हैं और बहुत ही माने जाने हैं। इस मंदिर में मेन माँ गंगमा की मूर्ति है यानी कि गंगा माता की मूर्ति है। गंगा माता इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर गॉड है। बेंगलोरियंस हर साल 3 दिन का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं जिसे गंगमा जत्रे बोलते हैं। यह एक रिलीजियस फेयर और फेस्टिवल है जो कि मलेश्वर में 1928 से मनाया जाता है। इस मंदिर में गंगा माता के साथ साथ नवग्रह की भी मूर्तियाँ हैं, साथ साथ गणेशा और सुब्रमण्या की भी छोटी छोटी प्रतिमाएँ यहाँ स्थापित हैं।
कहा जाता है कि अनमैरिड गर्ल्स अपनी मनपसंद शादी के लिए गंगा माता को स्पेशल प्रेयर्स करती हैं, स्पेशल प्रार्थना करती हैं और मोली बांधती हैं, जिससे गंगा माता खुश होकर उन्हें मनपसंद की शादी का वर देती हैं। रुको रुको, वीडियो ख़त्म नहीं हुई। नंदी टेंपल के डायगनली एक और टेंपल है जो श्री नरसिम्हा टेंपल है। सो इन टोटल यहाँ पर 3 टेंपल हैं। लाइक करना मत भूलना।